बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जी बच्चों, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए। अगर ये वीडियो आप मुकम्मल देख लेंगे तो इंशाल्लाह आज के बाद चूहे आपका घर तो क्या आपका शहर भी छोड़ जाएंगे। 100% फार्मूला समझें या फिर घरेलू होम मेड रेमडी। थोड़ा सा बाहर की चीज़ें भी हैं, ज़ाहिर फार्मूला भी है, होम मेड रेमडी भी है, मगर ये जो कोयल होती है ये सबके घर होती है। हम तो नहीं जलाते, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मच्छरों के लिए हम अपनी ही होम रेमडियाँ तैयार करते हैं, जो कि मैंने चैनल पर भी वीडियो दी हुई है। मगर ये कोयल मैंने चूहों को मारने का सामान बनाना है। तो इस तरह चट्टू बट्टे के साथ जो है कुछ कोयल आप जो है कूट लेंगे, यानी एक खाने वाला भरा हुआ चम्मच पाउडर तैयार हो जाए। ये देखो, ये आपको भर के दिखाती हूँ पूरा चम्मच। इसी तरह ये मैंने एक साफ़ सुथरी बॉल ले ली है, बॉल में डाल दिया है। और ये मैंने ले ली है पीनट, यानी मूँगफलियाँ, जो कि हम भी खाते हैं, हमारे बच्चे भी खाते हैं। जी हाँ, आप कहोगे मूँगफली से कभी चूहे मरेंगे, तो इंशाल्लाह 100% गारंटी है कि चूहे ही मरेंगे ये पीनट खा के। अब देखते जाइए इस पीनट को कैसे कैसे इनकी मौत के सामान में बदलना है। तो हमने कुछ 2 चम्मच के करीब हमने पीनट ले लिए हैं, इसे कूट लेते हैं बारीक। बिल्कुल इसे पाउडर सा नहीं बनाना, दरदरा कूटना है। तो तमाम देखने वालों से, बहन भाइयों से, बच्चों से, दोस्तों से, बेटियों बहनों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन प्रेस कर दें, ताकि ऐसी आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो लगाती हूँ, अच्छी अच्छी टिप्सें लगाती हूँ, आने वाले नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। ये देखो मैंने दरदरा सा कूट लिया है, छोटा सा। प्यारे हाथों से कमेंट्स ज़रूर कीजिए। वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते तो बच्चों लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। अच्छा जी, ये दूसरे बॉल में मैंने पीनट डाल दी है। एक अदद हमने ले लेना है साफ़ सुथरा टमाटर, जो कि हमने धो लिया है। अब इसके करने हैं हमने दो हिस्सों में इसको तकसीम कर लेना है, फिर आगे बताती हूँ कि क्या करना है। कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान से, आउट ऑफ कंट्री से, ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपने चूहों के लिए ये नुस्खा आजमाया है, ये रेमडी या नहीं आजमाई है, क्या चूहे मर गए आपके घर में, ज़रूर बताना। तो ये देखो बच्चों, ये मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है टमाटर। अब इसमें क्या डालना है, सबसे पहले जो मैंने कोयल का पाउडर बना के रखा था, यानी जलेबी का, हम इसे जलेबी भी बोलते हैं, तो इसमें 1 चम्मच शुगर, चीनी मैंने ऐड कर दी है। मेरे गले का मसला चल रहा है, दुआ कीजिए मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। तो ये शुगर भी मैंने अच्छे तरीके से इस कोयल वाले पाउडर में मिक्स कर दी है। अब इसमें जो है हमने भर देना है कि इसको, टमाटर को, इस कोयल वाला पाउडर और चीनी के साथ, ताकि वो चीनी जो है चूहों को दावत देनी है ना मूँगफली की, चीनी की, फिर अच्छे तरीके आके खाएंगे, खा के ही मरेंगे, और मर के ना मुराद बाहर जा मरेंगे, भागेंगे। चूहे घर में आते ही बहुत परेशान करते हैं, किचन में मुंह मारते हैं, बर्तनों में, खाने वाली चीज़ों में, मूजी मर्ज का हम भी बच्चे भी शिकार हो सकते हैं। चूहे घर में दाखिल हो तो समझो शैतान की आमद है, शैतान चूहों को और ऐसी मनहूस चीज़ों को, छिपकलियों को भेजता है। जो घर खुशहाल दिखे उसे छिपकलियों को, और चूहे छिपकलियाँ शैतान की सूरत में आती हैं। तो इसीलिए ये ज़रूर फार्मूले आजमाया करें, ये टिप्सें आजमाया करें होम रेमडियाँ, ताकि आपकी हमेशा से जान छूट जाए। छिपकलियों की रेमडी भी मैंने दी हुई है, नेक्स्ट भी अगर किसी को किचन के हवाले से छिपकली, चूहे, मच्छर, मक्खियाँ, किसी हवाले से आपको रेमडी चाहिए तो आप कमेंट्स लिखिएगा, मैं ज़रूर आपको ज़रूर 100% सच्ची रेमडी दूँगी इंशाल्लाह। ये ज़रूर आजमाइएगा। देखो ये मैंने दोनों टमाटरों से कोयल और चीनी के फुल भर लिए, ऊपर से यानी खिला दिए। अभी मूँगफली जो हमने पीनट का ये दरदरा सा कूट के रखा हुआ है पीनट को, तो ये जो है ऊपर हम फैला देंगे फुल इसके ऊपर, क्योंकि ये चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद है, पीनट बहुत ज़्यादा पसंद है, टमाटर भी चूहों को बहुत पसंद है,
और चीनी भी, चीनी की पीनट की खुशबू पे आएंगे, खाएंगे, फिर जो बीच में इनकी मौत का सामान है कोयल, बिल्कुल गारंटी से कहती हूँ चूहे नहीं बच पाएंगे। ये खा तो जाएंगे बिल्कुल, उनका दिल सब बंद होगा, पेट खराब हो जाएगा, हाजमा नहीं होगा, पेट फूल जाएगा, चूहे घर से बाहर भागेंगे। पानी रात को अवेल नहीं रखना, ये जहाँ जहाँ चूहे तंग करते हैं फ्रिज के इर्द गिर्द, बेड के नीचे, कमरे में, किचन में, कैबिन में, जो कैबिनेट होते हैं हमारी उसके किचन के, जो उसमें नीचे इधर उधर खिलार देने हैं, चूल्हे के इर्द गिर्द रख देने हैं किचन में, जहाँ के चूहे आए खाएँ, खाते ही फिर अल्लाह अकबर ये बाहर भागेंगे पानी की तलाश में, पानी तो मिलना नहीं है, इन्होंने बाहर जाके मर जाना है। तो ये देखो, ये देखो, ये मैंने किचन में रख दिया। इसी तरह आप जो है फ्रिज के इर्द गिर्द भी रख सकते हैं, जहाँ जहाँ चूहे आते हो आप वहीं रख दें, इंशाल्लाह पावरफुल। आपको होम रेमेडी दी है, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चूहे मर तो सकते हैं, बच